टीके न्यूज़ असर ऐसा जो नजर आए। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं अब्दुल रहीम खान आपका स्वागत करता हूँ टीके न्यूज़ में। जिन्होंने अभी अभी हमारा चैनल देखना शुरू किया है वो सबसे पहले लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हर रोज आपको खबरें रोज मिलती रहेंगी, ताज़ी खबरें मिलती रहेंगी। और सबसे बड़ी खबर आज की ये है कि रई पब्लिक चैनल के चीफ एडिटर अर्नब गोस्वामी हो सकते गिरफ्तार। जी हाँ, ऐसा क्या कह दिया अर्नब गोस्वामी ने जिससे वो गिरफ्तार हो सकते हैं। देश भर से उनके ऊपर मांग उठ रही है कि उनको गिरफ्तारी की जाए। एक बार फिर से देश का जाना माना चैनल रिपब्लिक टीवी सुर्खियों में है। इस बार रिपब्लिक टीवी और एडिटर अर्नब गोस्वामी की वजह से चर्चा में है और अर्नब गोस्वामी को गिरफ्तार करने की लगातार मांग हो रही है। साथ ही साथ एडिटर गिल्ड से भी अर्नब गोस्वामी के ऊपर कार्रवाई करने की मांग की गई है। इस बार अर्नब गोस्वामी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं क्योंकि मामला बेहद गंभीर नजर आ रहा है। ये मामला इतना गंभीर नजर आ रहा है कि उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी जी के ऊपर अपशब्द कहे थे उनके चैनल के ऊपर रिपब्लिकन टीवी के ऊपर। हम इसके बारे में आपको आगे बताएंगे, आगे की जानकारी हम आपको देते हैं। महाराष्ट्र सरकार के स्पष्टीकरण के बाद लगातार पालघर मामले को लेकर सांप्रदायिक रंग की कोशिश की जा रही थी। लगातार इस मामले को बढ़ा चढ़ाकर लाइव शो में पेश किया जा रहा है। इसी को लेकर अब रिपब्लिकन चैनल के चीफ एडिटर अर्नब गोस्वामी की मुश्किलें बढ़ गई। अर्नब गोस्वामी ने पालघर मामले को लेकर सोनिया गांधी के ऊपर आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल किया गया। आप इस ट्वीट के जरिए मालूम कर सकते हैं जो कि हसीब एमीन ने ये कही है बात, और इन्होंने टैग किया कि अरेस्ट एंटी इंडियन अर्नब न्यूज कंप्लेंट लॉक्ड अगेंस्ट रिपब्लिकन टीवी। आप ये जो ट्वीट आपको दिख रहा है इस पे आप देख सकते हैं। साथ ही साथ गैर जिम्मेदार आरोप लगाए कि किसका कहीं से कोई लेना देना नहीं है, जिसका इससे कोई लेना देना नहीं है। यही कारण है कि कांग्रेस ने अब इस मामले पर अपना मोर्चा खोल दिया है और गृह मंत्री महाराष्ट्र के से अपील की जा रही है कि अर्नब गोस्वामी के ऊपर कार्रवाई की जाए। साथ ही साथ एडिटर गिल्ड से भी अर्नब गोस्वामी के ऊपर कार्रवाई की मांग की गई है। दूसरे ट्वीट में कृष्णा मोहन शर्मा ने जी ने कहा है, ये ट्वीट आपको जो नजर आ रहा है ये ट्वीट भी आप देख सकते हैं। इसके बाद आपको हम बताते हैं कि आपको बता देना गोस्वामी ने लाइव टीवी शो से सोनिया गांधी जी को की मौजूदा कांग्रेस अध्यक्ष हैं उनके खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग किया। गांधी चुप रहती, मैं पूछता हूँ अगर कोई पादरियों की हत्या करता प्रमोद कृष्णन तो आपकी पार्टी, आप अपने आप को आचार्य कहते हैं, आपकी पार्टी और आपके पार्टी के रोम से आए हुए इटली वाली सोनिया गांधी चुप नहीं रहती। एक दिन पहले ही अर्नब गोस्वामी के ऊपर छत्तीसगढ़ में राहुल गांधी के कोरोना पर उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर बताने का आरोप लगाया गया था। FIR दर्ज की गई है जिसके बाद अर्नब गोस्वामी भड़क गए थे। दूसरे ट्वीट में आपको बताया हमने कि किस तरह से ये ट्रेंड चल रहा था। तीसरे ट्वीट में जो है रुचि चतुर्वेदी क्या कहती है ये भी आप देख सकते हैं कि तीसरा ट्वीट उनका जो है क्या है। आपको बता दे कि पहली बार नहीं है जब रिपब्लिक टीवी के एडिटर अर्नब गोस्वामी पर ऐसे आरोप लगे हैं। अर्नब गोस्वामी अक्सर अपनी भाषा को लेकर विवादों में रहते हैं। इससे पहले भी अर्नब गोस्वामी ने कई बार कांग्रेसियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। रिपब्लिक टीवी हमेशा से एक पक्षी पत्रकार करने का आरोप लगता है, सांप्रदायिक पत्रकारिता करने के आरोप और रिपब्लिक टीवी पर अक्सर लगते रहे हैं। लेकिन इस बार अर्नब गोस्वामी ने लाइव टीवी पर जो शब्द भाषा की मर्यादा लांघते हुए हद कर दी है, यही कारण है कि पूरे देश में अब अर्नब गोस्वामी के ऊपर कार्रवाई की मांग उठी है। इसके चलते अनिल देशमुख जी ने जो ट्वीट किया है ये भी आप देख सकते हैं। दिस लिस्ट ऑफ द 101 मतलब 101 अरेस्टेड इन द पालघर जो है
उसमें 101 लोगों के अरेस्ट अभी तक हो गए इंसिडेंट्स। आप अनिल देशमुख जी का भी एक ट्वीट आपको नजर आ रहा होगा, वो आप देख सकते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने स्पष्ट कर दिया था कि इस मामले को सांप्रदायिक ना बनाया जाए, इसके बावजूद अर्बन गोस्वामी ने इस लाइव टीवी शो में इसको सांप्रदायिक बनाने की कोशिश की, जबकि सरकार की तरफ से स्पष्ट किया जा चुका है। सुरभि द्विवेदी जी ने क्या कहा है, आई रिक्वेस्ट CMO महाराष्ट्र उद्धव ठाकरे टू टेक स्ट्रिक्टली एक्शन ऑन दिस हैट मॉनिटरिंग एंड डिफेमिंग जर्नलिज्म, प्लीज बैन द चैनल रिपब्लिक हैश अरेस्टेड एंटी इंडिया अर्नब। आप ये भी इनका भी एक ट्वीट आप देख सकते हैं। सभी आरोपी एक ही समुदाय के हैं और सभी आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है, इसके बावजूद गोस्वामी लगातार लाइव टीवी शो सांप्रदायिक की कोशिश कर रहे हैं। आपको बता दें कि इससे पहले मौजूद मजदूरों की भीड़ इकट्ठा होने के लेकर भी अर्बन गोस्वामी ने मुस्लिम समुदाय के ऊपर आरोप लगाए थे। इसके बाद महाराष्ट्र सरकार ने स्पष्ट किया था कि यह मामला मस्जिद से जुड़ा नहीं है। अर्नब गोस्वामी ने तब भी यही कहा था कि जामा मस्जिद से ऐलान हुआ है और ये लोग पैसे पर बुलाए गए हैं। आपको बता दें कि अर्नब गोस्वामी अक्सर झूठी न्यूज और फेक न्यूज को बढ़ावा देने के लिए भी कई बार घिरे जा चुके हैं। आपने सारी खबर देखी सुनी और सारे ट्वीट हमने आपको बता दिए। अब आपको क्या लगता है कि ऐसे पत्रकारों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए? हमें कमेंट में आपके जवाब दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि आपको हर किस्म की खबरें, हर किस्म की मालूमात हम आप तक पहुंचा सकें। सब्सक्राइब कीजिए और डेली नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाइए।